फ्लैबिया फ्रेश मॉर्निंग यू ऑल। आप सभी का कोलकाता बेस्ड कंपनी फ्लैबिया में स्वागत है। फ्रेंड्स, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री का जन्म 1996 में हुआ और जिस कंपनी का जन्म 4 साल पहले 15 अप्रैल 2014 को कोलकाता में हुआ उस कंपनी का नाम है फ्लैबिया फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड। लगभग 4 साल पूरा होने को है, अप्रैल 2018 में 4 साल पूरा हो जाएगा। और इस 4 साल में अगर मैं आपको कंपनी के अचीवमेंट्स की बात करूं तो कंपनी लगभग 100 से अधिक कंपनी के पास ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, कंपनी का अपना ओन फैक्ट्री है जहां पर वेलनेस, कॉस्मेटिक, एफएमसीजी, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट कंपनी स्वयं बनाती है। फ्रेंड्स, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करते समय हम क्या देखते हैं, हमें क्या देखना चाहिए? कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी है कि नहीं है, कंपनी का पेआउट सिस्टम, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का मैनेजमेंट एंड वो मैनेजमेंट कैसे अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं, पिछले 17 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, फुल टाइम MBA करने के बाद फुल टाइम इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं दोस्तों, और मैंने जो पाया है इस कंपनी फ्लैबिया में, रियली अमेजिंग कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसने अपने आप को 4 साल के अंदर साबित किया है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश होने के लिए, ट्रैक पर आने के लिए लगभग 3 साल लग जाते हैं, लेकिन इस कंपनी ने 3 साल के अंदर अपने आप को साबित किया, प्रूफ किया, एक स्थान बनाया, एक एस्टैब्लिशमेंट दिया बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के साथ, एक बहुत एस्टैब्लिश मैनेजमेंट के साथ। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, 147 एम्प्लॉइज इस कंपनी में हैं, फैक्ट्री से लेकर हेड ऑफिस एंड ब्रांच तक लगभग 150 एम्प्लॉइज हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में भी 150 एम्प्लॉइज को देखा नहीं गया है, यह बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसके बाद कंपनी का 100 से अधिक प्रोडक्ट है जो कि अपना खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है दोस्तों, एक ऐसी शानदार कंपनी जिसका पे आउट एक दिन भी लेट नहीं होता है। आप सब फ्लैबिया के बारे में, क्योंकि अगर आपको फ्लैबिया ज्वाइन करना है और आप सब किसी भी अच्छी कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बोलता हूं, आप नहीं सुनेंगे, लेकिन चुनाव आपको करना है, डिसीजन आपका होगा और डिसीजन फैक्ट पर होता है, डिसीजन रियलिटी पे होता है, डिसीजन